बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस जा रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले हमारा इसलिए आ रहा है क्योंकि बारिश के बाद कुछ मिट्टी में टेस्ट आए जिससे पता चला कि नीचे गीली मिट्टी है। हम इस रोड को किसी भी सूरत में ऐसा नहीं छोड़ के जाना चाहते कि आपको बाद में झटके लगे और आप कहें कि अभी क्या खराब रोड बना देते हैं। तो जल्दी सिर्फ जरूरी नहीं है, जल्दी के साथ साथ क्वालिटी पे भी उतना ही जोर है जितना जल्दी पे जोर है। तो उसकी वजह से हमने तकरीबन 8-10 जगहों पे अभी हम देख के भी आ रहे हैं, हमें सारी की सारी 4-5 फुट से मिट्टी दोबारा निकालनी पड़ी और नई ला के लगानी पड़ रही है क्योंकि नीचे इनके नेस्पा के हमारी बहुत सख्त टेस्टिंग है और उसके बाद CMW बहुत क्वालिटी पे जोर लगा रहा है और FAO जो अच्छी बात है तो वो बिल्कुल क्वालिटी की कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, तो उस वजह से हमारा थोड़ा सा 15-20 दिन आगे जा रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, टाइम से कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा एक और बड़ा इशू था कि हम बार बार डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ से जब हम GT रोड पे जाएंगे तो GT रोड पे जब आप चढ़ेंगे तो फिर आपको पूरा यू टर्न लेके जाना पड़ेगा। आज हमने अभी डिस्कस किया और फाइनल किया कि यहाँ पे भी हम फ्लाई ओवर बना रहे, तो ये फ्लाई ओवर बनाएंगे और चंदा किला के भी NHA से बात करके रीडिजाइन की कोशिश करते ही करें ताकि वहाँ पे ट्रैफिक ना पड़े, ये ना हो कि यहाँ पे सारा कुछ क्लियर हो जाए और आगे फिर जाके चंदा किला पे सारे फाइल जाए। हम चंदा किला को भी कंसिडर करते हैं कि क्या करना है और यहाँ से जब आप उतरेंगे तो यहाँ से राइट पे जाके फ्लाई ओवर जो है वो GT रोड से गुजरा वाला चला जाएगा, एटलीस्ट 4-5 मिनट फिर आप लोगों को उधर भी बचेंगे। कोशिश यही है, बाकी 5-7 प्रोजेक्ट की पिछली दफा आपको अनाउंस करके गए थे वो सारे के सारे ऑन ट्रैक है, उनपे भी काम शुरू हो गया है। तकरीबन छोटी छोटी रोड की रिपेयर और थोड़े काम थे वो भी हमने पिछले 2-4 दिन पहले अप्रूवल दे दी है, वो भी तकरीबन दर्जनों की तादाद में है जो आपको भी अगले थोड़े दिनों में पता चल जाएंगे, चाहे वो DPS स्कूल है चाहे आपकी वो मंडी थी वो सारे तकरीबन ग्वाला कॉलोनी थी वो सबके साथ अप्रूव हो गए, उन पर भी इंशाल्लाह काम शुरू हो। बताओ वैसे मैं आपस की बात बताऊँ, आपके गुजरा वाले के लिए बहुत सारी चीजें जो हो रही है वो इसी टीम की एफर्ट की वजह से। दूसरा ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज है मेरे ख्याल में, अगर आप सुन लें कि मुझे पूछे कि पंजाब में जो बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन है ये इनमें से एक ये लोग भी है जिनके बेस्ट सिंक्रोनाइजेशन है। तीसरी चीज ये है कि ये सुबह ये पोस्टमेंट तकरीबन हर दिन यहाँ पे आते हैं, इस प्रोजेक्ट में भी आते हैं। अभी नारोवाल के रस्ते में मुझे बता रहे थे प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, अभी जो सड़कों के प्रोजेक्ट हो रहे हैं इस पे CMW भी काम कर रहे हैं और कमिश्नर DC वगैरह भी काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये सिर्फ गुजरांवाला के नहीं बल्कि आपके गुजरांवाला डिवीजन के प्रोजेक्ट भी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। कोई चिंकी रिक्शा बंद नहीं हो रहा, ठीक है ये बात क्लियर कर लें। हम उनको 1 महीने का रजिस्ट्रेशन का टाइम दे रहे हैं कि आपने अपने आप को रजिस्टर कराना और रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं ले रहे, उसके बाद जब वो रजिस्टर हो जाएंगे वो अपना रिक्शे के ऊपर हम कोई चीज नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता ये चोरी का है, 2.5 लाख रिक्शा है पंजाब में, हमें नहीं पता ये किस चीज का, उन्होंने ना आज तक रजिस्टर कराया हुआ है ना उनके लाइसेंस बने हुए ना कोई चीज है, उस पर सख्ती होगी, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसके लिए निकाल रहा है कि वो हम रजिस्टर करेंगे। बस अच्छा दो चीजें, अच्छा मैं आपको बता दो पहले जवाब दूं फिर आपको सवाल कर रहा हूँ। सेफ सिटी इंशाल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो 31 जनवरी को आपको ऑपरेशन करके देंगे 100%। दूसरा जो हॉस्पिटल है आपका तकरीबन हॉस्पिटल बंद हुआ हुआ जो शहर वाला हॉस्पिटल में BHU है क्योंकि उसकी पूरी रिवैम्पिंग चल रही है, आपको जिस तरह मेो बना के दे रहे हैं हॉस्पिटल पूरा रिवैम्प करें, गुजरांवाला भी एग्जैक्टली उसी स्टैंडर्ड का करके जा रहे हैं, गुजरांवाला एक स्टेप ऊपर होगा नीचे नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। मेरी एक बात सुन देखें, अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि अगर चीज आप हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते थे आपको एक पोर्शन कर देते या पूरा कर देते, OPD खुला हुआ है बाकी सारा का सारा हमने फिक्स कर दिया है, तो हम पूरा करके दे रहे हैं और जितना जल्द हो सकता करके दे रहे हैं। आपको ये भी नहीं कि हम कह रहे कि एक साल के लिए, मैं हमने बैनर्स भी लगाए हैं हॉस्पिटल में हर जगह पे और लोगों से मदद पाए कि उस तकलीफ के लिए जो उनको वक्ती तौर पर हो रही है, लेकिन आप उसको ये इमेजिन करें कि उसका लॉन्ग टर्म आपको कितना, आपका हॉस्पिटल ब्रांड न्यू होने जा रहा है
और 4 फरवरी उसकी डेडलाइन है, इंशाल्लाह 4 फरवरी को आपको कंप्लीट करके हैंडओवर करेंगे। तो वो हॉस्टल की हालत, आप मेरे साथ 10 दफा आप लोगों ने जो हॉस्टल की हालत देखी थी वो इतनी बुरी हालत में था कि बंदा देख के परेशान हो जाता था। जो मेयो हॉस्टल का डिजाइन बनाया है, यानी जो अंदर टाइल मेयो में लग रही है वो यहाँ पे लग रही है, और इंशाल्लाह ताला वो आपको बहुत बेहतर हालत में लगेगी। यूनिवर्सिटी है, उसके लिए भी हम देख रहे हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं। उसके काम शुरू हो गया और अभी तेजी से काम जा रही है, कम्प्लीट तो नहीं वो कर सकते, लेकिन ये कि उसको जितनी जितनी ज्यादा तेजी से काम हम करा सकते जितना ज्यादा लक्ष्य कर सकते हैं।